Special. Hi. Hello guys. Welcome to our new vlog. और आज हम जा रहे हैं थाईलैंड और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। अभी हम एयरपोर्ट पे हैं, हमारा इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ हो गया है। ये हमारी छोटकू, कहाँ जा रहे हैं प्रशांत? हम थाईलैंड जा रहे हैं। तो अभी हम चेक इन वेक इन करके, अभी हमारी फ़्लाइट है थोड़ी देर की, अभी 3 घंटे फ्लाइट में। तो एज़ यूजल हम जा रहे हैं लॉन्च में, थोड़ा खाएंगे पिएंगे। सुपर एक्साइटेड रहते हैं एयरपोर्ट पे आके लाउंज में टाइम स्पेंड करने के। मेरे को जाना होता है लाउंज। जल्दी चलो। रात को कितने बजे की फ्लाइट हमारी? 9:50 की, और हम घर से 3:30 निकल गए थे, 4:30 हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए एंड 6:00 और 1 घंटे हम बाहर वेट किए हमने अंदर घुसने के लिए। तो कोई नहीं, बट बढ़िया मज़ा आता है। अब तो ठीक है ना, अच्छा लगता है मेरे को। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर लाउंज में, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, उसके बाद फिर फ्लाइट बुक करेंगे। अभी हम लाउंज में बैठ गए हैं। प्रिशा अपने लिए लेकर आई है, क्या लाई हो? और ये प्रिशा की मम्मी आप क्या लाई हो? ये मैं प्रिशा के लिए कॉर्न लाई हूँ और मुरमुरे लाई हूँ, नाचोस, बन एंड ये कुछ टाको टाइप मिल रहा था। तो ये प्रिशा की प्लेट रेडी हुई है अभी, इसमें से बस ये मेरा है, बाकी सब प्रिशा का। बढ़िया, कैसा रहा लाउंज का एक्सपीरियंस? मैंने मस्त वाइन पी है, बहुत मज़ा आया मुझे वाइन पीने में। कौन सी थी? रेड वाइन। फ्रटेली। नाइस। अच्छा था यहाँ का एक्सपीरियंस। बस पल्लवी का थोड़ा गड़बड़ रहा क्योंकि इसको 3100 पे करने पड़े यहाँ पे घुसने के लिए, इसका कार्ड वैलिड नहीं था। बुद्धू बना दिया। और मेरे को क्योंकि लाउंज में आना था तो हमने पे कराया 3100 और हम लाउंज में बैठे हैं। और यहाँ पे प्रशांत ने भी खूब इन्जॉय किया है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, इसलिए हमने सोचा कि चलो बैठ जाता है थोड़ी देर की। टेक ऑफ में बहुत टाइम है, बोर्डिंग टाइम में काफ़ी टाइम है अभी। तो अब हम निकल गए हैं लाउंज से और अब हम जा रहे हैं अपने गेट्स की तरफ, थोड़ा बहुत घूमेंगे यहाँ पे, काफ़ी सारा शॉपिंग करने का है। प्रिशा का मन है कोई चॉकलेट वॉकलेट लेने का, तो ये चॉकलेट लेंगी और फिर हम अपनी फ्लाइट बोर्ड करेंगे। और हमारा रूट ये रहेगा कि हम पहले सिंगापुर जा रहे हैं, यहाँ से दिल्ली से, दिल्ली टू सिंगापुर की फ़्लाइट है। हम सुबह 6 बजे पहुँचेंगे सिंगापुर, वहाँ पर हमारा अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स का हॉल्ट है और उसके बाद हम फुकेट की फ़्लाइट बोर्ड करेंगे और फिर हम थाईलैंड पहुँच जाएंगे। तो सिंगापुर में पहले हमारा हॉल्ट है 6 घंटे का, वहाँ पे थोड़ी मस्ती करेंगे। हमारा प्लान तो यही है कि मस्ती करेंगे, बट देखते हैं वहाँ पे क्या है और उसके बाद हम फुकेट के लिए निकलेंगे। मेरे को तो शॉप्स देख के ही ना थोड़ी एनर्जी सी आ जाती है और मेरे को वाइन पी के आ जाती है। शॉपिंग करो ना करो, लेकिन सिर्फ विंडो शॉपिंग से ही एनर्जी आ जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं कि शॉपिंग ना करें, तो विंडो शॉपिंग रहती नहीं है, शॉपिंग हो ही जाती है। लगा हुआ था ना उसके ऊपर, बार के ऊपर स्टार से लगती है। हमारी बोर्डिंग हो गई है, इनकी वजह से जल्दी हो जाती है। और आज जो प्लेन है हमारा वो है एयरबस A380, द बिगेस्ट पैसेंजर प्लेन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसमें जाने के लिए। अब हम बैठ गए फ्लाइट में और प्रिशा क्या कर रही है? कलरिंग। प्रिशा कलरिंग कर रही है। हम इसके कलर बुक लेकर आए यहाँ पे और इसका यहाँ पे हमने कोको मेलन भी चला दिया है, तो एंजॉय करती रहेगी अपना और हम भी अपना एंजॉय कर लेंगे। अब ये इस इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद जो नॉर्मल फ्लाइट में जाएगी ना, और जब पूछेगी मम्मा टीवी जाएंगे, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा फिर। और सबसे पहले प्रेशर की आती है पल्लवी भी इंजॉय कर रही है। और ये अभी हमारी मील आ गई है, नॉनवेज मील। इसमें इन्होंने बटर चिकन दिए, राइस दिए, दाल मखनी दी है और ये चना चाट टाइप कुछ है और दही दिया है। और अब हमारी आ गई है सिंगापुर स्लेट।
सिंगापुर में हम लैंड कर गए और प्रेशास हो रही है बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह का टाइम है और नींद नहीं पूरी हुई है इसकी। अभी इंडिया के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 3 बज रहे हैं। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमने डीबोर्ड कर लिया है प्लेन अप और अभी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम है और हम अभी देख रहे हैं कि क्या करेंगे, कुछ पता नहीं कि क्या करने का मूव करना है हमें, बट हम डीबोर्ड वीबोर्ड सब कर लिए और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें। हाँ, यहाँ पे हम 5 साल पहले आए थे और अभी इसके साथ आया है, उबासी ले रही है ये। प्रेशा को टॉयज की शॉप दिख गई और ये पहुँच गए यहाँ पे। क्लैपिंग कर, क्या वाओ हो गया प्रेशा? मम्मा तो बहुत अच्छा है। अभी थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद हम आए गए बटरफ्लाई गार्डन में। ये टर्मिनल 3 पे ही है जहाँ पे हमारी फ्लाइट लैंड करी थी। और ये प्रेशा बटरफ्लाई के पास चलो, चलो बटरफ्लाई के पास चलो। हम जा रहे हैं टर्मिनल 1 पे स्काई ट्रेन में, ठीक है? यस। अभी हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। हमारी बुकेड बाई फ्लाइट 45 मिनट्स लेट है। ऑलरेडी हमने 6 का लेवर लिया था, 45 मिनट्स हमारा ऐड हो गया इसमें, बट चलो कोई नहीं, अब हम जा रहे हैं फ्लाइट बोर्ड करने के लिए और फिर हम पहुंच जाएंगे थाईलैंड का। तो अब हम फाइनली जा रहे हैं थाईलैंड। हमने बोर्ड कर लिया पॉकेट वाला प्लेन और हमारी सीट भी बहुत मस्त है। जब हम अभी दिल्ली से आ रहे थे सिंगापुर, जब हम लैंड करे तो उस एयरक्राफ्ट में हमारी सीट बहुत गंदी थी, बिल्कुल विंग के ऊपर सीट थी। पता नहीं क्यों मैंने वो सेलेक्ट करी थी, बट मेरी गलती है उसमें, काफ़ी गलती है। तो अभी हम बस नहीं, वो छोड़ो, पॉकेट जा रहे हैं अभी। तो अभी हम जा रहे हैं बस, और थोड़ा सा फ्लाइट डिले हो गई है जैसे मैंने आपको बताया था, बट कोई बात नहीं, पहुँचेंगे वहाँ पे। चेक इन भी हमारा 2 ही है, तो पहुँचेंगे हम 3-4 बजे के अराउंड पहुँचेंगे वहाँ पे और फिर अपनी मस्ती करेंगे और अब आपसे मिलेंगे पॉकेट में। अभी हमारे यहाँ स्कूट एयरलाइंस में मील आई है, विच इज़ पम्पकिन पास्ता। पल्लवी बहुत एक्साइटेड है ये खाने के लिए। तो नाम सुनते ही बोल रहे थे कि एक ही ले लेते हैं 3 की जगह, पर फिर भी जिसने बोला दो ले लो, पता नहीं कौन खाएगा, मैं सिर्फ वही लाऊंगा सारा। बहुत सुंदर लग रही है, बस सुंदर ही लग रहा है, पता नहीं टेस्ट में कैसा है, खा के बताओ पहले, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे ऊपर ही क्यों ट्रायल कर रहे हो? आ सकते हैं, चलो गुड, अब खा लेते हैं। हम कहाँ गए फाइनली ननू, कहाँ पे? हम पहुँच गए फाइनली थाईलैंड फुकेट एयरपोर्ट पे। हम आ गए और अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन में, क्योंकि इंडियंस के लिए वीज़ा नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली हमारा हम इमिग्रेशन करेंगे और फिर बाहर निकल जाएंगे। सो अभी हमने यहाँ पे आके थाई नंबर ले लिया अपना मोबाइल फ़ोन का,
और बहुत इजी है यहाँ पे लेना, और प्लान भी काफ़ी अच्छा है। हमने जो लिया है वो डीटैक का लिया है, और मैं यहाँ इमेज में आपको दिखा दूँगा कि क्या यहाँ के प्राइसेस हैं। हमने 8 डेज़ का लिया है 400 थाई बात में, और उसमें अनलिमिटेड इंटरनेट है जो हमारे लिए मेन चीज़ है, और थाई नंबर पे अनलिमिटेड कॉल्स हैं। तो हम दोनों ने एक एक नंबर ले लिया है और अब हम एक दूसरे को ही कॉल कर करके मज़े लेते रहेंगे। यहाँ पे भी आके यही मेरे मज़े लेगी। थाईलैंड आके बताओ। अभी हम जा रहे हैं बाहर। तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। बिल्कुल। चलो अभी हम जा रहे हैं बाहर, और हमने पैकेज बुक करा है मेक माई ट्रिप से, जो बाहर शायद हमारा वेट कर रहे होंगे, पता नहीं है भी या नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली होंगे क्योंकि बात हुई थी तो वो हैं। तो अभी हम बाहर जाएंगे और फिर अपने होटल में जाएंगे। और अब फाइनली हम एयरपोर्ट से निकल गए हैं। हमारे लिए आज प्राइवेट ट्रांसफ़र बुक था, और इतनी बड़ी कार आई है, हमें डाउट हुआ कि हमारे साथ भी कार पूरा टेम्पो आ गया। ये और इसमें सिर्फ हम जा रहे हैं। So now we'll enjoy Thailand. हम जा रहे हैं क्राबी। हमारा अभी जो पहला पार्ट ऑफ द टूर है वो है क्राबी से। कल से स्टार्ट होएगा टूर, अभी हम क्राबी जा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करेंगे, देखेंगे अगर स्विमिंग वुमिंग कर पाए। वैसे तो बहुत थके हुए हैं क्योंकि नींद भी नहीं पूरी हुई है, तो देखते हैं। अभी हम यहाँ से क्राबी जा रहे हैं। वहाँ पे हमने स्टे लिया अपना आइबिस स्टाइल्स में, जहाँ पे हमने गोवा में लिया था उसी चेन में हमने यहाँ पे भी लिया है। अभी वो बहुत अच्छा लगा था हमें, अब यहाँ का देखते कैसा है। तो चलिए चलते हैं क्राबी और वहाँ पर मस्ती करेंगे।